आवाज आप ही की आप तक पहुंचाएंगे हम। मैं बिना इंडिया देव साहब को शेर के साथ बाबा के सुखद दूंगा। आगाज क्या है अंजाम क्या होगा, आगाज क्या है अंजाम क्या होगा ये सोचा नहीं। हम तो दीवाने हैं मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, हम तो दीवाने हैं मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे। जनाब इम्तियाज जलील साहब, सामने लोग खड़े हुए हैं, वो प्रेस वालों के सामने आ रहे हैं, मेहरबानी करके थोड़ा सा साइड में आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आपके हमारे सबके शायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, सोलापुर में जिनको आपने ताकत बख्शी है, जिन्हें आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, मेरे छोटे भाई फारूक शादी साहब, हैदराबाद के हमारे साथी सोलापुर के जिम्मेदार जनाब अनवर सादात साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के तमाम कॉर्पोरेटर्स जिम्मेदार और मेरे सामने बैठे मजलिस के शेरों, नफरतों की सियासत को चिकनाचूर करने हम आए हैं, तोड़ने हुक्मरानों का गुरूर हम आए हैं। ऐ खुदा हमारे सफर को कामयाबी अता कर, मोहब्बत का पैगाम लिए हम सोलापुर आए हैं। अभी बहुत बोलना बाकी है, ये किस ज्ञानी ने कहा है, सबसे पहले तो मैं यहां मौजूद पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि सोलापुर में ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो ये कहता है कि कोरोना है। दुनिया बता रही, एक हॉल में, एक कमरे में, एक रिक्शे में, एक गाड़ी में, एक प्लेन में बैठना नहीं। असद साहब आए, बोले नहीं हॉल में बैठ जाओ। दिक्कत इसी बात के ऊपर है कि हर रोज रात में ये जितने भी ज्ञानी हैं कोरोना के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। अब अगर खुले मैदान में इजाजत दे देते हम आराम से दूर दूर बैठते। मतलब किसने दिया, मैं उसको फूल पिलाना चाहता। नहीं, आप मुझे खुद बताइए, सामने 6 बजे तक सब खुला रहेगा, 6 बजे के बाद सब घर में चले जाना, ना क्यों बात हुई। संडे के दिन नहीं, बोले पब्लिक घर में रहती तो कोरोना भी थोड़ा आराम करना चाहिए। अब मैं इतना बहस कर रहा, इतना लड़ रहा था, ठीक है हम भी जानते हैं कि कोरोना है, हमको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कितनी ज्ञानी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बैठी है। अगर 3 पहियों की गाड़ी के ऊपर चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग का लेवल कितना होगा। आज हमें
यहां पर सोलापुर में आना ये कई दिनों से तय था और फारूक साहब ने बिल्कुल सही बताया है। महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और गफ्फार कादरी साहब के ऊपर। असद भाई बोले नहीं, सोलापुर मेरे पास रखूंगा मैं। ये आप लोगों की खुशनसीबी है मेरे भाइयों कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये नहीं पता है, कुछ शहर और महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिनका असद साहब का एक दिन का रिश्ता है। औरंगाबाद तो दूसरा शहर फारूक शाब्दी का है सोलापुर। चुनाव तो फारूक मेरे पास भी होने वाले हैं, आपके पास भी होने वाले हैं। अब आवाम तय करेगी क्या मेरी ख्वाहिश रहेगी आपकी इस बात के ऊपर मैं आमीन कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सोलापुर की आवाम के अंदर जो एक मोहब्बत, नौजवानों के अंदर जो जोश, यहां पर मेरे सामने टोपी पहने हुए एक मौलाना साहब है, फारूक शाब्दी का जब तकरीर चल रही थी उनका अगर बस चलता तो पत्रकारों के सरों के ऊपर से कूद के यहां आ जाते। यही जोश इंशाल्लाह सोलापुर महानगर पालिका के अंदर मजलिस का झंडा लहराएगा। चचा बोले जान की बाजी लगाएंगे। चचा जान वान की बाजी मत लगाइएगा, इलेक्शन का दिन आया बस धपा धा धपा धा धपा धा मारिएगा, जहां पतंग नजर आए वहां पर उड़ाइएगा। बहुत तकलीफ होने वाली है मुझे मालूम है। फारूक भाई ने जो कहा है सोलापुर का माहौल बदलने वाला है, वो ये सोच रहे होंगे एक हॉल के अंदर आए हैं, हॉल भरा है, एक आठ दिन के बाद फिर से मौका दे डालो, मैदान में बुला लो, समझ में आ जाएगा कितने आते हैं। ये मोहब्बत मेरे भाइयों जो आप लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ऊपर उड़ाते हैं बिल्कुल सही बात। फारूक शाब्दी ने आपको जो कहा कि मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान चुका नहीं सकता हूं, मैं खुद आया था और उस वक्त मैंने नौजवानों के अंदर, मैंने हमारी माओं और बहनों में, बुजुर्गों के अंदर जो जोश जो जज्बा देखा था, मुझे आज भी याद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी किसी एक इलाके के अंदर, वहां पर सभा हो रही थी बादशाह पेट में, तो इतनी जोरदार बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि इस बारिश के अंदर कौन रहेगा, ये सभा हमारी कैंसल हो जाएगी। लेकिन जब उस इलाके के अंदर मैं गया, उतनी तेज बारिश के बीच में नौजवानों और बुजुर्गों से ज्यादा बारिश में भीगती हुई हमारी माएं और बहनें खड़ी हुई थी। यकीनन हम भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी जिंदगी भर आप लोगों के एहसानमंद रहेंगे। दोस्तों आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पर हर एक के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो हम लोग हैं, चाहे वो सियासी मैदान के ऊपर हो या कोई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम।
आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि सोलापुर में भी बहुत जोरों से तैयारियां चल रही थी। 27 नवंबर को हमने एक नारा दिया था, चलो मुंबई। मुझे मालूम था इतनी आसानी से तो हमें आने नहीं देंगे, इतनी आसानी से हमको इजाजत नहीं देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं हम मुंबई जा रहे तो क्यों जा रहे थे। क्या हम सिर्फ वहां पर एक ताकत दिखाने के लिए जा रहे थे या हम कुछ मुद्दों को लेकर आपके बीच में आ रहे थे? हमें मालूम था कि फूलों से हमारा इस्तेमाल तो किया नहीं जाने वाला, इजाजत तो हमें दी नहीं जाने वाली। यह हम अच्छी तरह से जानते थे कि इन मंत्रियों के, किन राजनीतिक पार्टी के दबाव के अंदर मुंबई की पुलिस कुछ दिनों के बाद हमें एक पत्र देती है और कहती है कि 27 नवंबर को हम मुंबई में आपके चलो मुंबई के नारे को इजाजत नहीं देते। क्यों? कोरोना है बोले। सारा कोरोना ये हमारे पीछे क्यों लगा हुआ? आप ये देखिए, पिछले हफ्ते शिवसेना जिसकी सरकार, जिसका मुख्यमंत्री है, औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा निकालते हैं, दो मंत्री आते हैं उसमें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से आता है, एक मोर्चा निकालते हैं, पुलिस की परमिशन नहीं रहती है उसको, उसके बावजूद निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये एक अलग बात है, बताओ क्यों निकालते हैं? बोले महंगाई बहुत हो गई, वो कम करने के लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसकी हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है, वो कहते हैं कि हम महंगाई हो गई है तो उसके विरोध में हम मोर्चा निकाल रहे हैं, पुलिस की इजाजत नहीं रहती है तो मोर्चा निकालते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तुम्हारी सत्ता है तो हमें इजाजत की जरूरत नहीं। दो दिन बाद नागपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी इजाजत के नागपुर में मोर्चा निकालती है, आंदोलन करती है, कोई पुलिस की परमिशन नहीं रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार साहब तीन तीन सभाएं लेते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, तब कोरोना कहां रहता है? क्यों नहीं रहता है वहां पर? लेकिन हम अगर हमारे हक के लिए हम मुंबई आना चाह रहे हैं, आपको हम पत्र देते हैं कि हमको इजाजत दो, तो आप कहते हैं कि नहीं कोरोना है इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। 27 नवंबर का हमारा चलो मुंबई का नारा जो हमने दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को रखते हुए हम उसे आगे बढ़ाए। लेकिन हमने कहा कि अब चलो मुंबई नहीं, अब नारा यह है मुंबई को हम आएंगे, किसी सूरत में भी आएंगे। अभी आज पूरे महाराष्ट्र की आवाम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इजाजत से मैं ऐलान करता हूं कि अब मुंबई का नारा चलो मुंबई अब 11 दिसंबर को इंशाल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे। हम गाड़ियों में जाएंगे, गाड़ी पे कोई हरा झंडा नहीं, कोई नीला पीला झंडा नहीं, कोई भगवा झंडा नहीं। यौम आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, यौम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है,
महाराष्ट्र के जिस कोने से गाड़ी निकलेगी, हर गाड़ी के ऊपर हमारा तिरंगा रहेगा। उस तिरंगे को लहराते हुए हम मुंबई जाएंगे। पुलिस को हमने फिर से पत्र दिया है, दे दो, करोना से हम बात कर लेंगे कि 11 को थोड़ा आराम करो। और ये भी सुन लो, दो तो आएंगे, ना दो उन्होंने ये कहा अपने पत्र में, अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो घटनाएं हुई है उसे देखते हुए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की पुलिस को यह बताना चाहती है, हम किसी भी तरह के तशद्दुद को, हिंसा को हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने इख्तियार दिया है मुझे, जो इख्तियार उद्धव ठाकरे साहब को दिया गया है, अजीत पवार साहब को दिया गया है, वही इख्तियार इम्तियाज जलील को भी दिया गया है, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया गया है। कानून दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये तुम्हारे लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं मुंबई तो क्यों आ रहे हैं? 5% रिजर्वेशन 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जब अलग अलग रिजर्वेशनों की बातें अदालत के सामने गई, मामला अदालत ने पूरा संजीदगी के साथ बारीकी से देखा समझा, तब उसके बाद यह फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। उस वक्त 2014 से 2019 के बीच हुकूमत में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ऑपोजिशन के अंदर थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मैं खुद बारिश पठान के साथ आमदार था, वहां पर इनके मंत्री खड़े रहते, कांग्रेस के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते और देवेंद्र फडणवीस को जवानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले हो या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हो या एनसीपी के, अगर खड़े रहते हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए, तो महज मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम नहीं है मुखालिफ उनके, दीजिए आप जिसे देना है, धनगरों को दीजिए, मराठाओं को दीजिए, लेकिन मुसलमानों को तो अदालत ने कहा है, जब वो वहां पर भाषण कर रहे, सुनील तटकरे साहब एक एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने तकरीर किए, आधे घंटे की तकरीर के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं। भाषण जब खत्म हुआ तो वो जाने लगे, मैंने कहा कि भाई एक दो मिनट रुकिए ना, तो बोले क्यों, मेरा हो गया? मैं बोला तुम्हारा हो गया, तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए दो मिनट बैठिए। तो मैं अपने भाषण में कहा कि अभी अभी हमारे मित्र ये भाषण दे रहे थे, सिर्फ एक की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इनका भाषण जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि इनको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए कि ये रंग कितनी आसानी से बदलते हैं। विपक्ष में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र भी नहीं। हमारे हैं मुंबई तुमसे मांगने के लिए, हम आ रहे हैं मुंबई वक्त की जमीनों के तहफुज के लिए। 53,000 एकड़ जमीनें
पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्त की है। फारूक साबदी साहब ने मुझे सोलापुर के ताल्लुक से कई जमीनों की जानकारी दी है। फारूक भाई मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, 6 महीने के अंदर 8 FIR रजिस्टर हुए हैं। सोलापुर का भी FIR रजिस्टर करवाऊंगा अगर किसी ने वक्त की जमीन को हत्याया है। जागी समझ लिए, लाओ जो क्या देते जो लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 FIR रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। इन 93,000 एकड़ जमीनों की देखभाल के लिए आप लोगों को यह हैरानी होगी, जब आपसे वोट मांगने के लिए अगर आए तो उनसे पूछो कि मेरी जो वक्फ की जमीन है पूरे महाराष्ट्र में, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग काम करते हैं। महज 24 लोग, 24 इसका मतलब साफ है, हुकूमतें किसी की भी हो, ये वक्फ की जमीनें हम मुसलमानों से लेकर रहेंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने भांजे को देंगे, अपने भाई को देंगे। आज कितने ऐसे शहरों के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेटों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सामने मुसलमान एक पंचर की दुकान डाल के बैठा हुआ है, चाय बनाने की दुकान डाल के बैठा हुआ है। अगर वो जमीनें हमें वापस मिल जाती है, हम उसके ऊपर स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हमारी बहनों के लिए हम हॉस्टल्स खोलेंगे। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि क्यों जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा था कि मेरे सामने बैठे शेरों, तो एक साहब सही समझ लिए शेर है करके आवाजें शेरों के जैसी निकाल, तो मैंने ये बात कही है कि हम लोग 11 दिसंबर को इंशाल्लाह गाड़ियों के काफिलों के साथ हम मुंबई में जाएंगे और वहां पर पूरा अमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जाकर हमारे जो सवाल है वो सवाल हम उठाएंगे। हम पूछेंगे जो सरकार में बैठे हैं कि आप हमारे वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से क्या फैसला करने वाले हैं, आप हमारे 5% रिजर्वेशन के बारे में क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं यहां पर तमाम मोहिबान मजलिस को कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हम मुंबई जा रहे तो इसलिए नहीं कि पूरे मजलिस वाले जा रहे, हम आपसे ये अपील करेंगे कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो, आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे, हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे। दोस्तों ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे, आज अगर किसानों का बिल वापस लिया गया है, किसानों का बिल अगर आज वापस लिए हैं इस मुल्क के वजीर आजम ने, तो उसकी वजह यह है कि किसानों की एकजहती, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, इसीलिए यह मुमकिन हुआ। एक धक्का तो हमको भी लगाना है, एक धक्का हमको भी लगाना है। हो सकता है कि कोई किसी वजह से आ नहीं सकता है,
लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, कोई पैसे वाला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे ये चार बच्चे गरीब है, इनको बंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी तरफ से ये बच्चे जाएंगे, अपनी जान अपना माल जब लगाएंगे ताकत बनकर खड़े रहेंगे। आपको कांग्रेस वाले कहेंगे इसके पीछे क्यों जा रहे, वहां पे तो असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं, इम्तियाज जलील बोल रहा तो तुम चले जाएंगे क्या? अब मैं क्या करूं, महाराष्ट्र में इकलौता एक 48 एमपीस महाराष्ट्र में होते हैं, अब इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया और वो इत्तेफाक से मैं हूं तो मैं क्या करूं, तुम चुना कर नहीं लाते हैं तो मैं क्या करूं? अगर तुम लाते पवार साहब एक दो चार ला लेते, कांग्रेस वाले एक दो चार लेके आ जाते तो यकीन मानो इम्तियाज जलील उनसे कहता कि तुम इसका नेतृत्व करो, मैं एक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे पीछे आता। दोस्तों, अपने इख्तलाफ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमको एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। मैंने जैसा आपको कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई तशद्दुद में हम यकीन नहीं रखते। इस मुल्क के जमहूरियत की सबसे खूबसूरती ये है कि हम अपने एहतजाज बहुत अच्छे तरीके से भी दर्ज करा सकते हैं, हमारी नाराजगी हम सरकार के लिए बहुत अच्छी तरह से दर्ज करवा सकते हैं। हम जो अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो हुआ है, हम यकीनन उसकी मजम्मत करते हैं। कोई मजहब ये नहीं सिखाता है, और खुसूसन मुसलमानों का हमारा जो मजहब है वो कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम किसी बेकसूर के ऊपर हमला करें। और वही बात जो अमरावती के अंदर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की कि नहीं, हम सड़क पे उतरेंगे, हम जलाएंगे, हम तोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं इस मुल्क की संस्कृति ये नहीं कहती है। इस मुल्क के अंदर कानून है, कायदे हैं, उसके हिसाब से हम सबको चलने की जरूरत है। मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, फारूक शादी की एक बहुत अच्छी बात मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ख्वाहिशमंद है, यकीनन फारूक भाई बहुत सारे ख्वाहिशमंद उसी पार्टी के अंदर होते हैं जिसमें उन्हें कामयाबी नजर आती है, और जब वो देख रहे हैं कि शोलापुर के अंदर पतंग कैसी लहरा रही है, कैसी उड़ रही है, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें रहेगी। लेकिन हम अगर मजलिस से मोहब्बत करते हैं तो हम ओहदों से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, हम अपने पोस्ट से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर सामने बैठे हैं, हमारे सबके शायद है, अगर उन्होंने मुझे अभी कहा कि अब महाराष्ट्र का सदर इम्तियाज जलील नहीं रहेगा, ये लड़का जो टोपी पहनकर बैठा है ये रहेगा सदर, तो इम्तियाज जलील लब्बैक कहेगा उसके ऊपर। लेकिन हमारे पास महिला है मजलिस को, मेरी वजह से चलती, मैं देखता मैं यही अच्छी बोलने वाला था। से टिकट ले देता हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करना चाहूंगा कि फारूक शादी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात की कि फारूक शादी ने शोलापुर में इतने कम वक्त के अंदर सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं की है, उन्होंने लोगों का दिल जीतने का काम किया। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, सुना है कांग्रेस वालों ने शोलापुर में भी जश्न मनाया कि किसानों का बिल वापस ले लिया है। 28 दिन से सुना है कांग्रेस भवन के सामने
बहुत सारे किसान आंदोलन के ऊपर बैठे हैं, वहां की बड़ी फिक्र, तुम्हारे भवन के सामने बैठे हैं, 28 दिन हो गए, 28 दिन से बैठे हैं, तो वहां का नहीं। फारूक भाई, उन किसानों से कहना कि तुम्हारी आवाज अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज अहमद और यहाँ की जो पुलिस है अगर इजाजत दे देती है तो हम खुद जाएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ और उन किसानों को यकीन दिलाएंगे। अब इतना बोल दिया हमने, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ इतने ही लोग सुन रहे, कांग्रेस भवन में हर एक के हाथ में मोबाइल है, सुन रहे कि हमारी कैसी बात है। राष्ट्रवादी वालों की पूरी हो गई, अरे वो आप मेरे बाप का भी नाम लिया। और ये दोनों ने अभी किससे शादी की है वालों, बोलो बोलो, कितना अच्छा रिश्ता हुआ। कभी सोचे थे, जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी कांग्रेस वाले खड़े रहते तो सेना को गालियां, राष्ट्रवादी खड़े रहते तो सेना को।